झांसी जनपद के मऊ रानीपुर में आज बीच बाजार में एक भागवाधारी बाबा की गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला कोतवाली पहुंचा। मऊ रानीपुर मोहल्ला गांधीगंज निवासी ललितानंद पुत्र शंखनाद ने सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली जाकर आपबीती सुनाते हुए कहा कि रविवार की दोपहर मोहल्ला अलियाई के बाजार में एक जगह बैठा था, तभी एक बच्चा गाली देने लगा। जब बाबा ने गाली देने से मना किया तो एक राय होकर एक समुदाय के लगभग 15-20 लोग इकट्ठे होकर आए और उस बाबा की मारपीट करने लगे। उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घाटी घटना को CCTV में देखा जा सकता है। आज कोतवाली में पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। समाचार लिखे जाने तक आज दूसरे दिन भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है, जबकि पुलिस जांच करने के बाद कार्यवाही करने की बात कर रही है। क्या नाम है बाबा जी? सर ललितानंद। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई कि मैं कल वहाँ बैठा हुआ था दुकानों के पास, तो एक बच्चा आके गाली देने लगा। दुकान में मैं जाकर के शिकायत किया कि देखो इस बच्चा गाली दे रहा है, आप लोगों का बच्चा है। तो 10-20 लोग इकट्ठा होकर के मेरे को मारने कूटने लगे, गाली गलौज करने लगे। बच्चे थे किस जगह पे? स्कूल के पास। कौन लोग थे वो? अब उनमें से कुछ मुसलमानों के लोग थे। चोट भी लगी है। चोट ये लगी है। देखो हटा हटा। चोट लगी। कितने लोग थे? वो 15-20 लोग थे। देखो बाबा की चोट देखो। क्या कहा उन्होंने? पर उन्होंने कहा जो तुम्हें करना हो तो कर लो, आ रहा यहाँ नहीं आने, नहीं मार के फेंक देंगे। चोरी मेरे वहाँ कुटिया में, वहाँ मणिकर्ण में, उसमें पहुँचे जा करके गांधीगंज। हाँ गांधीगंज में। हाँ वहाँ जाके भगुआ के पीछे को तुम ये सब क्यों करते हो, ऐसा करते हो, बस उस पर जाके वहाँ मेरा ताला तोड़ा, मेरी झोली लेके वहाँ फेंक आए, पूरा राशन पानी फैला के चले आए। इसकी शिकायत किया आपने? जी हाँ। कहाँ की है शिकायत? अभी थाने। क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा चलो देखते हैं अभी करेंगे।